पड़ती है ना, हम दिखा दे सरकार है हमारी कुछ है कांटेस्ट में। जहाज का तेल तो सस्ता हो रहा है, पेट्रोल महंगा रहा है, क्या चक्कर है? ये सरकार ने ठगती नहीं मार रखी। अरे मैं क्या बोला खावे से, अबे बेंजीन बेचे कैसे? सरकार में जो है ना तेल 45 रुपए लीटर था, आज 105 रुपए लीटर तेल है। 403 विधानसभाओं पे अकेले लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं आपको कहने दावे से कहता हूँ। ऐसी सरकार है, पैसे वाले पैसे होते वाले होते जा रहे, गरीब आदमी गरीब होते जा रहे। पहले 2014 से पहले तो भाजपा का झंडा पकड़ने वाला कोई घर में भी नहीं था। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज पर, मैं हूँ रजत शर्मा। अभी हम बेहट में मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक यात्रा निकाली है जिसमें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं इस यात्रा को और क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर होने वाला है। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? गाँव से आए जी, इसहाकपुर चंची। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? यहाँ कांग्रेस वालों का प्रोग्राम है, यात्रा निकलेगी। अच्छा जी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ यूपी सहारनपुर में? बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा कांग्रेस सरकार पार्टी का, बहुत अच्छे तरीके से सीटा निकलेंगे और हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पहली बार 2 सीट ले पाए थे गठबंधन में, वो भी अब की बार कुछ है? इस बार सहारनपुर में पूरी की पूरी सीटा कांग्रेस की निकलेगी। भाई आगे चलते हैं। जी भैया, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? बढ़िया रहेगा जी, बहुत बढ़िया हिसाब रहेगा। इमरान मसूद जीत पाएंगे यहाँ से? जी बिल्कुल जीत पाएंगे जी, बहुत बढ़िया होगा। पहले तो 2 सीटें निकाल पाए थे, वो भी गठबंधन पहले को छोड़ दो, अब की बार बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। जी कहाँ से आए हैं आप? कोटरपुर गांव। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। क्या? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जी, तो कैसे देखते हैं इस यात्रा को, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे स्पेशल? यहाँ से लेकर लगना पूरी की पूरी सीटें इमरान मसूद के नेतृत्व में आएगी। अच्छा जी, तो पिछली बार तो भाजपा के जुमलों में आ गए थे, अब की बार सबने देख लिया, हिंदू मुस्लिम सब भाई देख चुके हैं कि ये सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। ये सिर्फ सहारनपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य है, क्या कुछ हो पाएगा आगे? इंशाल्लाह बहुत बहुमत से सीटा काट पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस काट पाएगी जी। भैया कहाँ से आए? मेरा नाम मुबारक प्रधान है, ग्राम प्रधान टोडरपुर, कांग्रेस पार्टी का पूर्व महामंत्री हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष। यूपी के अंदर मुस्लिमों की पहली पसंद कौन है, कांग्रेस या समाजवादी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जी। कहाँ से आए हैं? पाजराणा से। कहाँ से? पाजरायपुर से। पाजरायपुर। अच्छा, इमरान मसूद अभी कांग्रेस पार्टी में है, क्या उनको सपा में जाना चाहिए? ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है जी, जाना चाहिए। जीत जाएंगे फिर वो इलेक्शन? हाँ इंशाल्लाह जीत जाएंगे पूरे बहुमत से। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का एक यात्रा आज निकाली गई है, यहाँ पे आए हो आप? जी हाँ यहाँ आप आए हैं। आप कह रहे हो सपा पार्टी में चले जाए वो इमरान मसूद? नहीं, वो अगर चले जाए तो और बेहतर बात है। अच्छा, आप मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ हो या इमरान मसूद के साथ हो? इमरान मसूद के साथ है। इमरान मसूद के साथ हो। जी भैया कहाँ से आए हैं? जी हम शाहपुर से आए हैं। अच्छा जी, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? जी ये जो हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, कैसे देखते हैं इसको? अच्छी तरीके से देखेंगे जी, बैठा करके धूम धड़ाके से। बेहट में कांग्रेस चुनाव जीतेगी या समाजवादी जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी जी, बहुमत से, बहुत बढ़िया। कांग्रेस जीतेगी? पिछली बार तो गठबंधन था, 2 ही सीट निकाल पाए थे बस। अजी अब का फिर देखो, अब का फिर बहुमत तो होगा इंशाल्लाह। बीजेपी को हरा देंगे? जी हराएंगे बिल्कुल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दिलसाद प्रधान टोडरपुर से हूँ, बेहट विधानसभा का नंबर 1 का गांव है, पहला गांव हमारा ही पड़ता है। और जनाब ये बात पूछने की नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए इसी में दी गया, सड़ोली ब्लॉक से मैं हूँ, सड़ौली ब्लॉक में 4 कैंडिडेट लड़े हमारे नेता ने इमरान मसूद ने, और जी इनमें से 3 जताने का काम हुआ। अच्छा इस बार यहाँ पर विधायक किसको बना रहे हो? उमर अली खां हैं, सैनी साहब हैं, किसको बना रहे हो? मारा तो है, बढ़िया बनाया, हमें बनाने की क्या जरूरत है? इलेक्शन तो आएंगे ना, इलेक्शन आवेंगे तो अभी उसे ही बनाओगे? सही बनाओगे, सही बनाओगे, हमारा तो बना बनाया यार, बौली बात थोड़ी कोई ऐसी। पहले गठबंधन से बने थे, क्या बना पाएंगे कांग्रेस से अगर गठबंधन ना हुआ? मेरी बात सुनो, जहाँ इमरान मसूद है वही गठबंधन है। अच्छा। ये बता रहा, वो गठबंधन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं है अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा नेता जो है इमरान मसूद वो जिसका भी घंटी बांध देगा उसे वोट देने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान यहाँ के सब। अच्छा मुस्लिमों की पहली पसंद कौन है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पसंद है और सत्ता परिवर्तन होने का कार्य निश्चित ही होगा, सब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, और हमारा जो मंच है
आप इस पर देख सकते हैं, ऐसा कहीं किसी मंच पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी को हराने के लिए क्या किसी एक पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो हरा पाए? गठबंधन की बातें चलती हैं। कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही, कांग्रेस अकेले यहाँ पे जो विधायक है वो गठबंधन से जीते हुए हैं भाई साहब। 403 विधानसभाओं पे अकेले लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं आपको कहने दावे से कहता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष सहारनपुर हूँ। सिर्फ 7 सीटें निकाल पाए थे पहले तो हम 18-18 24-24 सीटें भी जीत पाए। सिर्फ दो सीटें जीती थी यहाँ से गठबंधन। भाई साहब पहले की बात तो छोड़ दो, पहले 2014 से पहले तो भाजपा का झंडा पकड़ने वाला कोई घर में भी नहीं था। अगर उसे नुकहते थे भाई झंडा पकड़ के खड़ा हो जा, वो नुकहता था सबने ऊपर रगड़ता। विपक्ष के जो बड़े नेता है उनका ये कहना है कि सारे एकजुट हो जाएं तब भाजपा को हरा पाएंगे, एक से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। बात एक भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा। ये आप लोगों का जो मीडिया भाई है वो दिखावे ही वही सामान जो मैं देखना चाहे। अगर आप लोग खुल के बात बताओ तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीती यूपी चुनाव? भाई साहब इस बार जीतेगी, बदलाव है, लोग त्रस्त हैं, इस बार जीतने का काम होगा। समाजवादी पार्टी टक्कर में है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, उधर आरएलडी के जयंत चौधरी आ रहे हैं, गठबंधन की बातें चल रही है, तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस की अगर आपको रैली बगरा किस बता दूं, आपने कवरेज करा होगा, चिलकाना की कवरेज करी होगी, आज तक की ऐतिहासिक रैली है, सीरी सिर चमका था सारी रैली में, हमने नहीं देखा वहाँ कोई भी भीड़। भाई साहब विधायक कौन होना चाहिए यहाँ से बेट से विधायक कौन होना भाई? बेट से भाई नरेश सैनी है विधायक, वही रहेंगे, रिपीट होंगे। जनता किसको चुनने वाली है यहाँ? तो जी इमरान मसूद है। अच्छा जी, इमरान मसूद हैं और पिछली बार सिर्फ 2 सीटें निकाल पाए थे इधर से। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, बढ़िया मजबूती के साथ। भाजपा को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस या समाजवादी का साथ चाहिए? भाजपा भी टक्कर इमरान मसूद ही दे, और कौन दे रहा भाई? अच्छा, लेकिन वो तो तीसरे नंबर पे रहे थे। हाँ, बेट विधानसभा से भी विधायक नहीं बने नरेश सैनी। नहीं, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ मैं। वो बेट में किसको विधायक बनाना चाहते हो ये बताओ मुझे? जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अच्छा, जो यहाँ पे अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ काम करा है? बहुत बढ़िया काम करा जी, करा है बहुत बढ़िया। अच्छा। रपटे बनाए, 3-4 रपटे बनाए, पुल बनाए दिए, 3-4 पुलों की मंजूरी होगी जी, नहर का काम चला है आती हो, 20-25 करोड़ का। किसको टिकट चाहते हो अब की बार, नरेश जी को या किसी? जिसे पार्टी देगी टिकट, नरेश सैनी लड़ा, कोई भी लड़ा, उसे ही वोट देंगे जी। गठबंधन में कैसे होगा फिर, अगर गठबंधन हो गया वो तो जो पार्टी का निर्णय होगा सब सर्वमान्य। आगे चलते हैं जी, कहाँ से आए हैं आप? डरपुर से। तो कैसे देखते हैं इस रैली, इसको यात्रा को आप, क्या कुछ करने वाले हैं? बहुत बढ़िया होगा। अच्छा। बहुत बढ़िया होगा इंशाल्लाह। विधायक कौन होना चाहिए यहाँ से? विधायक तो जो इमरान मसूद तय करेगा वो होगा। आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो या इमरान मसूद के साथ? कांग्रेस पार्टी का, इमरान मसूद को अलग थोड़े ही है। अच्छा। हाँ, इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि सपा में आ जाएं तो जीत जाएंगे। वो तो जो पार्टी करेगी वो होगा। नहीं, इमरान मसूद अगर सपा में आ जाएं तो वो चुनाव जीत सकते हैं? वो पार्टी करेगी वो होगा भाई। अच्छा जी, जी कहाँ से आए भाई? भेट से हैं जी। भेट से हैं, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है जी माहौल यहाँ का इंशाल्लाह। अच्छा, किसको चुनाव जिताने की तैयारी है? कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताएंगे, चाहे कोई भी आ जाए, इसमें चाहे इमरान मसूद आ जाए चाहे नरेश सैनी आ जाए। आपको लग रहा है जो बातें चल रही है यहाँ पर इमरान मसूद जी की, अगर बड़ा चेहरा है यहाँ पे इमरान मसूद, तो टिकट इमरान मसूद का होना चाहिए या किसी और का होना चाहिए? देखो जो काम करे, नरेश सैनी ने बहुत अच्छा काम किया वैसे, लेकिन नरेश सैनी की जो सभी इमरान मसूद टिकट दे देगा, नरेश सैनी को किसी से खुद लड़े इंशाल्लाह उन्हीं के साथ रहेंगे। पिछली बार तो गठबंधन था इस वजह से जीत गए थे, अब की बार भी गठबंधन होने वाला है? अरे भाई गठबंधन अगर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो गठबंधन इमरान मसूद के साथ है, जो गठबंधन वाले थे सब, उमर अली खान वगैरह, इन्होंने मुखालफत करी इनकी, जबी भी इतने 2 सीटें निकाल लेते ले गए। किसने करी है मुखालफत? इमरान, क्या नाम उसका, ये है जो उमर अली खान वगैरह, इन्होंने सबके मुखालफत करी है। अच्छा, समाजवादी बड़ी बड़ी, नहीं समाजवादी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव खुद उसको संबोधित कर रहे हैं आकर, तो उससे एक बदलाव दिखेगा इधर की जनता पे, प्रभाव पड़ता है? कांग्रेस करेगा इंशाल्लाह यहाँ पे, कांग्रेस करेगा, सातों की सातों इंशाल्लाह कांग्रेस ही लेकर जाएगी। वो जीती थी पिछली बार, वो तो मैं क्या कह रहा आपको, गठबंधन जिनका साथ था वही मुखालफत कर रहे थे, मजा नहीं आएगा गठबंधन में, मजा नहीं आया था आपके, इंशाल्लाह लेकर लगना उसकी रहेगी कांग्रेस। क्या पता आपकी बार एक भी ना आए, तो अल्लाह के हाथ में है जो भी होगा अल्लाह के। जी मैं आपका अखिल, अखिल किसको सपोर्ट करने वाले हो? नरेश ने, नरेश को या इमरान मसूद को?
इमरान ही तो उसके साथ है, दोनों एक ही है ना। टिकट किसका होना चाहिए? नरेश का ही होना चाहिए। नरेश का ही होना चाहिए। पहले तो गठबंधन से जीते थे, अब की बार जीत सकते हैं कांग्रेस से? अगर हाँ, वो तो केला लड़ा था जी, गठबंधन से सरकार बनी थी भैया, अब का केला जीतेगा वो, अब की बार केला जीतेगा। पहले तो एक घर में एक बिंदा कांग्रेस का, और अब का एक घर में 10 है। बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो जय जुई ली यहाँ तो चौथे नंबर पर का सुपड़ा साहब है, बीजेपी का सुपड़ा साहब, बीजेपी ने तो का सुपड़ा साहब है, बीजेपी का सुपड़ा साहब। और प्रदेश में? प्रदेश में ही तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साहब है। ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी साहब इतना नाराज है? सुन लो भाई, जो बारिश अभी जो बरसात, एक मिनट जो जो अभी बरसात, एक मिनट यार, अरे एक मिनट अभी जो बरसात हुई, अभी देखा किसी विधायक ने आने का या किसी ने भी देखा आने का, ये देख लो बरसात में धान की स्थिति हुई पड़ी है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है भाजपा वो विकास कर रही है। कहाँ कर रही है विकास? धान हमारे घरों में पड़े हैं, धान हमारे की सरकार में जो है ना, तेल 45 रुपए लीटर था, आज 105 रुपए लीटर तेल है, पेट्रोल कहाँ जाएंगे काशकार? कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, बड़ी बड़ी सड़कें बंद कर दी, सिवा हिंदू मुसलमान का और क्या है इन पर? बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हिंदू हाईवे, अखिलेश यादव का हाईवे बन रहे हैं, प्राइवेट से बने हाईवे के हाईवे एक्शन नहीं दे रहे क्या भाई? इमारतें बेच दी, हाईवे बेच दिए, सारी चीज बेच दी भैया, हाँ अपनी फैसिलिटी चाह रही है भैया, अपना नाम कर रही है, फोटो में फोटो लगा रही है भाई, हाँ कुछ नहीं बताइए बताइए क्या अगला खबर से और क्या है? नाम है आपका, क्या नाम है आपका? सोल्ला है, सबदल बुलगांव जिला सहारनपुर, ब्लॉक बोलिया खेड़ी, और बताओ क्या कहना? आज क्या प्रोग्राम करने आए? आज प्रोग्राम करने सरकार आओगी इसकी भी, यात्रा शुरू करने वाले हो आप, कहाँ तक जाएगी? हम पता नहीं कहाँ तक चले जाएगी जी, ज्यादा ऊपर वाला लेगा ना वहाँ तक जाएंगे, ज्यादा ऊपर वाला लेगा वहाँ तक जाएंगे हम। हम आने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हो क्या? राहुल गांधी के पास जा रहे हो क्या? हाँ राहुल गांधी के पास जा रहे जी। यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर? प्रभाव ना पड़ो, पर हम सरकार दिखा देंगे, हम गिरा वो निकलने के, जनता के प्रति है ना, हम दिखा देंगे सरकार है हमारी, कुछ है कांटेस में जी। पिछली बार तो दो सीट निकाल पाए थे, वो भी गठबंधन दिखाएंगे, इनका दिखाओगे, इनका दिखाओगे, भाजपा से क्या प्रॉब्लम है? भाजपा तो हमारे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है हमें, सरकार यहाँ पर मेरी बात सुनिए, यहाँ से गठबंधन से नरेश सैनी जी यहाँ पर विधायक है, मेरी बात सुनिए, से नरेश सैनी गठबंधन से विधायक है, मेरी बात सुनिए, यहाँ से गठबंधन से नरेश जी हैं जो वो विधायक हैं, उन्होंने क्या क्या काम करे हैं जी? बढ़िया काम करे जी, क्या क्या काम करे? दो चार काम गिनवा, सारे काम बढ़िया करे जी उन्होंने, क्या करा है यार सारे? ये ना स्लेप करवा दिया, आज ये करवा दे, आज स्लेप करवा दिया, रोगड़े में स्लेप। आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, झंडा लेकर चल रहे हो, आपको यही नहीं पता कि विधायक ने क्या काम करे हैं? विधायक ने बहुत काम किए जी, जब आपको दिखिन दे आप बताइए ना, आप बताइए ना अरे आपको दिखिन दे, आप बताइए, आपको दिखने जाए, आप बताइए ना, आप बताइए, जनता जानना चाहती है, आप बताइए, पार्टी जिंदाबाद, जनता जानना चाहती है, नरेश सैनी जिंदाबाद। वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि हमने कोरोना से लोगों को बचा लिया, अगर कोई और सरकार होती बचा नहीं पाते। एक बात बताऊं मैं आपसे, बचाने वाला ऊपर वाला है, ना सरकार बचा सके ना कोई बचा सके, अगर मरने तो बचा सके तो बचा सके। जहाज का तेल तो सस्ता हो रहा है, पेट्रोल महंगा रहा है, क्या चक्कर है? ये सरकार ने ठगती मार रखी, जो दोग पति ना उन्हें माफ कर रहे रुपए जी भैया। ऐसी सरकार है, पैसे वाले पैसे वाले होते जा रहे, गरीब आदमी गरीब होते जा रहे, ऐसी सरकार है, पैसे वाला होते जा रहा। देखिए यहाँ की जनता ने बताया कि आखिरकार इस यात्रा को कैसे निकालने वाले हैं, अपने अपने काम गिनवा रहे थे लेकिन कुछ बता नहीं पाए हैं। लगातार बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ रजत शर्मा, अपने सहयोगी अक्षय के साथ बीजेटी न्यूज सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।